इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। जय हिंद साथियों, आपने नारा सुना था 2014 में बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, वो मोदी सरकार आ गई और 2020 में वो नारा अब बन गया है बहुत हुई महंगाई की मार, क्योंकि अब देश में है मुनाफाखोरों की सरकार। जी हाँ, पिछले 6 सालों में 18 लाख करोड़ रुपया मुनाफा, कच्चे तेल की कीमतें देश विश्व में जो कम है, लेकिन हमारे देश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा बढ़ाकर केंद्र की मोदी सरकार ने हमसे वसूला है, देश से वसूला है। मैं आपको बताती हूँ, 2014 में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी उस समय कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $107 प्रति बैरल थी, आज कितनी है 42, आज कितनी है $42 प्रति बैरल, फर्क देख रहे हैं। मनमोहन सिंह जी की सरकार में जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $107 प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमत थी, तब देश की सरकार मनमोहन सिंह सरकार ने कितना एक्साइज ड्यूटी प्रति लीटर तेल पर लगाई थी, ₹9.20, और मोदी सरकार ने उसी पेट्रोल के ऊपर कितनी एक्साइज ड्यूटी लगाई है ₹32.98, यानी कि लगभग ₹33, यानी कि हमने अगर ₹9.20 लगाई थी तो इन्होंने लगाई है लगभग ₹33 प्रति लीटर। डीजल के ऊपर जो है, जब मनमोहन सिंह सरकार थी 2014 में, तो डीजल के ऊपर हमने टैक्स एक्साइज ड्यूटी लगाई थी ₹3.40, और आज मोदी सरकार ने डीजल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगाई है लगभग 31.83, यानी कि लगभग ₹32 एक्साइज ड्यूटी लगा दिए। और विश्व में अगर आप सभी देशों की गिनती करेंगे, यूएसए की में लेंगे, जापान में लेंगे, तो आप पाएंगे कि विश्व में सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल के ऊपर टैक्स अगर कोई वसूल रहा है तो वो भारत की मोदी सरकार वसूल रही है। मैं आप सभी से कहती हूँ, आवाज बुलंद करिए, कोरोना की महामारी में बहुत लोग अपने काम धंधे खो चुके हैं, अगर इसी तरह पेट्रोल डीजल के दामों पर मोदी सरकार लोगों के जेब पे डाके डालती रही तो बिल्कुल ट्रांसपोर्टेशन की कीमतें बढ़ेंगी, उसके साथ साथ हमारी वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी और महंगाई की तरफ हमारा देश जो है वो जाता हुआ दिखेगा, जिसके ऊपर जो है सबसे ज्यादा मार किसी और को नहीं, गरीब को। इस कोरोना महामारी में उनके जख्मों पे जहां हमें मलहम लगाने का काम करना चाहिए था, वही मोदी सरकार नमक छिड़कने का काम कर रही है।